प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जितावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉब्लम्स को करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, वो हम पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वापस यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन यदि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज है बेसिक, और ये 3 तरह के पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और रोम्बस पैरेललोग्राम, और यहाँ पे ये इसका एरिया और परिमाप दे रखा है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले, एक समानांतर चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों का योग 130 डिग्री होता है, तो इसके प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ए बी सी और डी। अब इसमें बोल रखा है कि 2 सम्मुख कोणों का योग 130 डिग्री, ए प्लस सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों बराबर हैं, तो ए कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, इसका हाफ। इसी तरह से सी भी 65 डिग्री हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें ए प्लस सी ये कितना है, 130, तो बी प्लस डी कितना हो जाएगा, बी प्लस डी इक्वल टू 360 माइनस 130, तो कितना हो गया, 230 डिग्री। अब बी प्लस डी इक्वल टू 230 डिग्री, और ये भी हम जानते हैं कि ये जो बी एंगल है और ये जो डी एंगल, ये भी बराबर होते हैं, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब बी कितना हो गया, 230 का आधा, 230 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो बी और डी चूंकि बराबर होते, तो यदि बी 115 डिग्री है, तो डी कितना हो जाएगा, डी भी 115 डिग्री। तो अब आपका हो गया ए 65, बी 115, सी 65 और डी 115। तो आपका जो आंसर है वो डी वाला आंसर सही है, 65 और 115। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 140 सेंटीमीटर है, यदि एक भुजा दूसरे से 10 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ए बी सी और डी, ये मान लीजिए एक्स है, तो इन्होंने कह रखा है यदि ए बी एक्स है, तो दूसरी भुजा पहली भुजा से 10 सेंटीमीटर लंबी, यानी एक्स प्लस 10 हो गया। क्योंकि ये ए बी एक्स है, तो इसके अपोजिट वाली भुजा ये भी एक्स होगी, और बी सी यदि एक्स प्लस 10 है, तो इसके अपोजिट वाली भुजा ये भी एक्स प्लस 10 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एक्स प्लस 10। अब चारों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो एक्स प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10, चारों को जोड़ दिया, और ये परिमाप कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर। तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4 4x प्लस 10 और 10 20 इज इक्वल टू 140, या 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120। तो x कितना आ गया, 120 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यदि ए बी 30 है, तो बी सी कितना है, एक्स प्लस 10, तो बी सी हो गया 30 में 10 जोड़ दिया, 40 सेंटीमीटर। इसी तरह से सी डी एक्स है, तो एक्स हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर, और डी ए कितना हो जाए, एक्स प्लस 10 यानी 40 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ये सी वाला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, यदि क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी, तो इसका जो आधार है उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई, इसको ई मान लेते हैं,
मान लीजिए इसकी ऊंचाई एक सेंटीमीटर है, तो यह दे रखा है कि इसका जो आधार होगा वो ऊंचाई का 3 गुना होगा, यानी ए बी जो इसका आधार है वो कितना हो जाएगा 3x। अब इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आधार यानी 3x इंटू ऊंचाई x, और ये कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 192, तो x स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 3 18, 1 बचा 12, 4 3 12, तो x कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे अपन ने माना था x इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ए बी सी और डी। अब इसमें दे रखा है कि असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, यानी ए डी 15 सेंटीमीटर और ए बी 18 सेंटीमीटर हो गया। अब ये ए बी यदि 18 सेंटीमीटर तो सी डी भी 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सम्मुख भुजा है, और उसी तरह से यदि ए डी 15 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 15 सेंटीमीटर होगी। अब इसमें दे रखा है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि मान लीजिए यहाँ से एक 90 डिग्री का लंब बनाते हैं बी सी के ऊपर, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये सपोज ई है, तो ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अब ये बोल रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बड़ी भुजाएं कौन सी होगी, ए बी और डी सी, तो इनके बीच के डिस्टेंस ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो ये एफ मान लीजिए, तो डी एफ का माप चाहिए हमें। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे यदि ए डी 15 सेंटीमीटर है, तो जैसे अपन डिस्कस किया था बी सी भी 15 सेंटीमीटर होगी, अब किसी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार इंटू ऊंचाई, तो मान लीजिए आधार ए बी है, तो ए बी कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू ऊंचाई कितनी है डी एफ इज इक्वल टू, अब इसको छोटी भुजा को यदि आधार मान लेते हैं तो आधार कितना हो गया बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, यदि बी सी को आधार माना तो ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखिए 12 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 12, तो डी एफ कितना हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू 15 इंटू 12 डिवाइड बाई ये 18 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 2 12 और 6 3 18 और 3 को 15 से काटा तो 5 3 15, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 5 2 10 10 सेंटीमीटर। तो दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी डी वाला आंसर सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है। यदि इसका परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपन एक चतुर्भुज बना देते, समानांतर चतुर्भुज, ए बी सी और डी। अब इसमें दे रखा है कि दो भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो मान लीजिए ए बी यदि 4x होगा तो बी सी 3x हो गया। अब दे रखा है यदि इसका परिमाप 56 सेंटीमीटर होता है, इसके भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो जैसे ये इसके बराबर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसी तरह से ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 4x है तो ये भी 4x होगा, और ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। अब हम चारों को जोड़ देते हैं, परिमाप ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x, चारों भुजाओं को जोड़ा तो ये परिमाप कितना देगा 56 सेंटीमीटर, या फिर इन सबको जोड़ा तो कितना है 4 और 4 8 और 3 और 3 6, 8 और 6 14, x इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, तो x कितना हो गया 56 डिवाइड बाई 14 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
अब यदि x 4 सेंटीमीटर है तो 4x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और इसी तरह से 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो 16 और 12 बी वाला आंसर सही है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से दो गुनी है, तो आधार ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एक समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी और डी। अब इसमें बोल रखा है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दो गुनी है, तो ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई होगी, एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। तो यदि इसका आधार x है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, और एक क्षेत्रफल मतलब आधार इंटू ऊंचाई, और ये दे रखा है 500 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500, और x स्क्वायर कितना हो गया, 500 डिवाइड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 250। तो x कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 250 को ऐसे भी ले सकते हैं, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 5√10 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब रूट 10 का मान कितना है, 3.16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 15.8 सेंटीमीटर। ये आपका डी आंसर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।